स्टूडेंट्स आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से मैंने चूज किया है इंटरमीडिएट का पोइट्री सेक्शन तो आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में क्लास ट्वेल्थ में जो पोइट्री का पहला चैप्टर है वह है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ द पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब होता है प्रसन्न जीवन के लक्षण इस पोयम में कवि जो है कवि सर हेनरी वॉटन हू टुक बर्थ 1568 टू 1639 ड्यूरिंग दिस पीरियड He was known as a famous scholar and critic. तो ये poet जो थे सर henry वोटन ये एलिजाबेथ era के सबसे leading poet थे और ये अपने scholars को अपने candidates को अपने समय के लोगों को इंस्पायर करते थे अपने कविताओं के माध्यम से तो उन्हीं के कलेक्शन में से एक पोएम आपके सिलेबस में दिया गया है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ तो इस पोएम का टाइटल हमने बता दिया कि इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रसन्न व्यक्ति के लक्षण अब हम थोड़ा सा पोयम पे बढ़ते हैं पोयम के टाइटल पे बढ़ते हैं पोयम के समरी पे बढ़ते हैं और इसके सेंडल आइडिया बढ़ते हैं So, in this poem, the poet has described the good qualities of a happy man. What kind of efforts, what kinds of deeds he should perform by which he can develop in his life leaps and bounds. So, several good qualities, several good traits are mentioned by the poet throughout the poem.

कि इस कविता में जो कवि है वह एक व्यक्ति के अंदर कितने अच्छे गुण होने चाहिए या कौन कौन से गुण होने चाहिए इसका व्याख्या बड़े ही अच्छे ढंग से उसने किया है मैं एक एक लाइन हर स्टेंजा की एक एक लाइन को डिटेल में स्टडी कर रहा हूं, और आपको बता रहा हूं, आप इसको समझते जाइएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्टेंजा पहला स्टेंजा है हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनादर्स विल अब देखिए पहला स्टेंजा है हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनादर्स विल मतलब कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश या प्रसन्न होगा जो दूसरों की इच्छाओं का दास न हो मीन्स कि वह व्यक्ति बहुत ही खुश होगा बहुत ही प्रसन्न होगा जो दूसरों की इच्छाओं का दास ना हो दासता वह स्वीकार न करे अपने ही इच्छाओं के अनुसार अपने ही अभिव्यक्तियों के अनुसार वह कर्म करे वह कार्य करे जो दास होता है वह दास किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में प्रसन्न नहीं रह सकता है क्योंकि वह हमेशा यह सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे मालिक किसी ने किसी काम से कहीं हमको बुला न लें या कुछ कर न दें तमाम चीज़ों की वजह से वह डरता रहता है जिस वजह से वह प्रसन्न नहीं रह सकता है तो सबसे पहला उन्होंने इस दो लाइन में यह बताया है कि वह जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश या प्रसन्न होगा जो दूसरों की इच्छाओं का दास ना हो यहाँ पे शर्त का मतलब हुआ सेवा करना अनादर माने हुआ दूसरा विल माने हुआ अच्छा How हैप्पी कितना प्रसन्न होगा ही वह प्रसन्न व्यक्ति बॉर्न और टॉट अर्थात जन्म या शिक्षा से जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरों की इच्छाओं का दास न हो अब हम बढ़ते हैं थर्ड लाइन पे हिज ऑनेस्ट हिज ऑनेस्ट थॉट आर्मर माने होता है कवच हुज माने होता है जिसका ऑनेस्ट माने अच्छा थॉट माने विचार अर्थात कि उस प्रसन्न व्यक्ति का अच्छा विचार ही उसका कवच होता है जिसके अच्छे विचार ही उसके कवच हो वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है हिज ऑनेस्ट थॉट जिसके अच्छे विचार ही उसके कवच हो लास्ट लाइन है एंड सिंपल ट्रुथ इज एंड सिंपल टूथ हिज अटमोस्ट स्किल सिंपल माने आसान टूथ माने सच्चाई अटमोस्ट माने सबसे बड़ी स्किल माने दक्षता तो सिंपल का मतलब साधारण साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी दक्षता होती है एंड सिंपल टूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल और उसकी साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी दक्षता होती है तो एक बार चारों लाइन की व्याख्या मैं फिर से कर दे रहा हूँ हाउ हैप्पी इज हिज बॉर्न और टॉट दैट सर्फ नॉट एन अदर्स विल जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश होगा जो दूसरों की इच्छाओं का दास ना हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट जिसके अच्छे विचार ही उसके कवच हो एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल और उसकी साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी दक्षता हो तो आशा है कि आपको यह पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ दूसरा स्टेंजा है नॉट हिज मास्टर्स आर अर्थात जिसके मनोवेग उसके मालिक न बन जाए प्रसन्न व्यक्ति वही होगा जिसके पैशंस का मतलब काम क्रोध मद लोभ जिसके मनोवेग उसके मालिक न बन जाए जिस व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर काम क्रोध मद लोभ जैसी प्रवृत्तियां निरंतर चलायमान होती हैं या उनकी सत्ता होती है या वो मालिक बन जाते हैं उस व्यक्ति के मस्तिष्क का तो वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है वह कहीं ना कहीं लोभ में कहीं ना कहीं वह क्रोध में कहीं न कहीं मध में या काम में या लालच में वह हमेशा डाइवर्टेड रहता है इस प्रकार से वह प्रसन्न नहीं रह सकता है तो कहने का मतलब इस लाइन का अर्थ कभी ने यह बताया है कि जिसके मनोवेग उसके मालिक न हो जाए यानी कि उस व्यक्ति के जो मन के वेग है पैशंस काम क्रोध मध लोभ उसके मास्टर्स मालिक न बन जाए अर्थात कि वह उन पर पूर्ण रू, पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर ले वे उनके मालिक न बनने पाए तभी वह व्यक्ति खुश रह सकता है अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेज सेकंड लाइन की तरफ हु प्रिपेयर्ड फॉर डेथ सोल का मतलब हुआ आत्मा हुस का मतलब जिसका स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अर्थात हमेशा प्रिपेयर्ड माने तैयार रहे डेथ माने मृत्यु जिसकी अंतरात्मा हर समय हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहे दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई मौत होती है क्योंकि हर एक इंसान को आती है हर एक प्राणी को आती है हर एक जीव को आती है इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता या हमेशा यह दृढ़ संकल्प किए रहता है कि कभी भी मृत्यु आए वह उसका बड़ी ही प्रसन्नता और खुशी के साथ सामना करेगा तो निःसंदेह वह व्यक्ति हमेशा ही खुश और प्रसन्न रहेगा तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि हु सोल इज़ स्टिल प्रपेयर्ड फॉर डेथ जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहे वही व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ तीसरे लाइन की तरफ तीसरी थर्ड लाइन है द दर्ड विध केयर अर्थात कि वह का मतलब हुआ मुक्त होना केयर का मतलब हुआ दुख समस्या वर्ड का मतलब हुआ संसार अर्थात कि वह प्रसन्न व्यक्ति जो होगा वह सांसारिक समस्याओं से सांसारिक चिंताओं से सांसारिक मायाजाल से मुक्त होगा अगर मुक्त होगा तो वह प्रसन्न होगा तो यहां पर कभी कहने का मतलब हुआ कि कि अर्थात वह प्रसन्न व्यक्ति हमेशा सांसारिक चिंताओं सांसारिक दुखों या कष्टों से मुक्त होगा फिर लास्ट लाइन है दूसरे सेकेंड स्टेंडिया की ऑफ प्रिंसली लव और वर्गर ब्रेथ अर्थात जिसे राजकुमारों की कृपा या राजकुमारों का प्रेम और सामान्य व्यक्तियों द्वारा बोली गई असभ्य बातें गंदी बातें उसे विचलित या परेशान न कर सके वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है तो प्रिंसली लॉ का मतलब यह हुआ कि राजा महाराजा या राजकुमारों के द्वारा की गई कृपा या की गई किया गया प्रेम वल्गर ब्रेथ का मतलब हुआ यहाँ पर चूंकि यह पोइट्री है तो पोइट्री में जो दिया गया शब्द होता है उसका अर्थ कुछ डिफरेंट निकलता है तो यहां पे वल्गर व्रत का व, वैसे वल्गर माने होता है गंदा और व्रथ माने होती है सांस लेकिन यहाँ पर वल्गर व्रथ का मतलब हुआ कि सामान्य व्यक्तियों द्वारा बोली गई असभ्य बातें गंदी बातें तो यहाँ पर चौथी लाइन का अर्थ हुआ कि जिसे राजकुमारों के द्वारा किया गया कृपा या प्रेम या सामान्य व्यक्तियों द्वारा बोली गई असभ्य बातें उसे विचलित न कर सकें ऐसा व्यक्ति ही खुश या प्रसन्न रह सकता है तो एक बार दूसरे स्टेनिया को मैं फिर से आपको व्याख्या कर दे रहा हूँ एक साथ Whose passions नॉट हिज masters are, जिसके मनोवेग काम क्रोध लोभ उसके मालिक न बन जाए दूसरा whose सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ जिसकी अंतरात्मा जिसकी आत्मा हमेशा निरंतर मौत के लिए तत्पर रहे तीसरा untied unto अन टू द वर्ल्ड विथ केयर जो सांसारिक कष्टों समस्याओं या दुखों से मुक्त रहे और चौथी आप प्रिंसली लव और वर्गर जिसे राजकुमारों द्वारा किया गया कृपा राजाओं महाराजाओं द्वारा किया गया कृपा या दिखाया गया प्रेम या सामान्य व्यक्तियों द्वारा बोली गई सामान्य असभ्य बातें गलत बातें उस व्यक्ति को उस प्रसन्न व्यक्ति को प्रभावित न कर सके निसंदेह वह व्यक्ति खुश होगा और प्रसन्न होगा तो यह हमारा दूसरा स्टेंजा यहां पर समाप्त होता है अब देखिए यहां से अगला स्टेंजा आ गया आपका हु हैथ His his life from rumors freed, feet. Who had his life from from Who अर्थ हुआ कि प्रसन्न व्यक्ति वही होगा जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखा होगा Who hath his life from rumors freed? प्रसन्न व्यक्ति वही होगा जो अपने जीवन को अफवाहों से र्यूमर्स र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह फ्रीड माने होता है मुक्त रखना हैथ माने होता है पास यानी कि हैथ का मतलब पास जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखा होगा रिट्रीट अर्थात कि जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी शरण स्थल हो जो अपनी आत्मा के अनुसार ही कार्य करता हो वाट एवर टास्क ही परफॉर्म्स ही डज ऑल दिस थ्रू द डायरेक्शन ऑफ हिज सोल द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड स्टेंजा एक्सप्रेसिस दर द हैपी मैन विल विद द सेम विल विद द इंडिविजुअल हुफ्ट हिज लाइफ फ्राम द रूमर्स स्पोकन बाई द मास ऑफ पीपुल ऑफ द वर्ल्ड तो ये इन दो पंक्तियों में कभी यह बताया है वह अपने आप को अफवाहों से मुक्त रखता है और उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी शरण स्थल होती है हम तीसरी लाइन को लेते हैं स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड जिसकी स्थिति बड़े से बड़े चापलूस भी विचलित नहीं कर सकते यहां पे फ्लैटर स्ीड का मतलब हुआ चापलूस व्यक्तियों द्वारा बोली गई चापलूसी भरी बातें फ्लैटर्स माने चापलूस व्यक्ति होता ही है तो फ्लैटर्स फीट का मतलब पूरा यहां पर हुआ कि चापलूस व्यक्तियों द्वारा बोली गई चापलूसी भरी बातें स्टेट का का मतलब हुआ नीदर का मतलब हुआ हुआ स्थिति, ना तो तो इस लाइन का मतलब हुआ कि उस प्रसन्न व्यक्ति की स्थिति बड़े से बड़े चापलूस करता भी अपनी चापलूसी भरी बातों से विचलित न कर सके वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है अब चौथी लाइन है आपका नॉर में मेक ग्रेट और बड़े से बड़े दमनकर्ता भी उसका विनाश न कर सके ऑपरेश का मतलब होता है दमनकर्ता, रियून का मतलब होता है विनाश करना तो बड़े से बड़े दमनकर्ता भी उसका विनाश न कर सके ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्न व्यक्ति होता है क्योंकि वह विचलित नहीं होता है तो अब चारों का हम एक साथ बता देते हैं Who his life from feet, freed. प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है स्ट्रॉन्ग रिट्रीट जिसकी आत्मा है उसकी सबसे बड़ी शरण स्थल होती है Whose state can neither फीट और जिसकी स्थिति बड़े से बड़े चाप्रूसकर्ता भी अपनी चापलूसी भरी बातों से विचलित न कर सकें वही व्यक्ति प्रसन्न होता है चौथा है नॉर रून में कॉपरेस ग्रेट और बड़े बड़े दमन भी उसका विनाश नहीं कर सकते ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्न व्यक्ति होता है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ नेक्स्ट स्टेंजा आपका है Whose enemies नन होम चांस डो थ्रेस नॉर वाइस मतलब कि वह प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने सौभाग्यवश विकास किया हो सौभाग्यवश से प्रगति किया हो और उसके अवगुणों को भी नकारता है और न ही उसके अवगुणों को भी बताता है जैसे कि यहाँ पर एनविस का मतलब हुआ ईर्ष्या करना चांस माने सौभाग्य बस, रेस माने विकास करना उन्नति करना प्रगति करना डथ माने करता है वाइस माने अवगुण तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि हु एनवेस नन हुम चांस डो थ्रेस नॉर वाइस कि वह प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या या जलन द्वेष नहीं करता जिसने से विकास किया हो और उसके अवगुणों को भी न करता है। Next है अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वर गि जो यह कभी नहीं समझता कि झूठी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं मिन्स द हैप्पी पर्सन नोज अबाउट द फैक्ट दैट फॉल्स प्रेजेज आर ऑलवेज हार्मुल टूच ऑफ दर्सन जो जानता है कि जो झूठी प्रशंसा होती है इसके घाव बहुत ही गहरे होते हैं झूठी प्रशंसा वह न सुनता है और न झूठी प्रशंसा किसी की करता है चौथी लाइन है न रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड मतलब कि वह शासन के द्वारा राज्य के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन न करके बल्कि स्वयं के द्वारा बनाए हुए अच्छे नियमों का पालन करता है अब यहां पर देखिए स्टेट का मतलब हुआ राज्य या सत्ता या शासन के द्वारा बनाए हुए नियमों का अनुसरण न करके बट रूल्स ऑफ गुड की अपने द्वारा बनाए हुए अच्छे नियमों का वह पालन करता है और प्रसन्न रहता है तो चारों लाइन को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने सौभाग्यवश से विकास किया हो और उसके अवगुणों को भी नकारता है जो यह कभी नहीं समझता कि झूठी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं यहाँ पर डिपेस्ट का मतलब गहरा का मतलब घाव और प्रेस का मतलब यहाँ पर पोइट के अनुसार झूठी प्रशंसा हुआ रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड और वह अपने राज्य के नियमों को न मान करके बल्कि अच्छे नियमों का पालन करता है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंजा की तरफ हु गॉड डोथ लेट इन अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस लेट मतलब कि वह प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर की पूजा अर्चना सुबह शाम करता होगा उनसे किसी प्रकार का उपहार लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अब यहाँ पर डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मतलब इसका मतलब हुआ कि सुबह और शाम वह प्रे का मतलब प्रार्थना करता है किसकी ईश्वर की मोर ऑफ हिज ग्रेस ग्रेस का मतलब हुआ कृपा गिफ्ट का मतलब हुआ उपहार का मतलब सोना चांदी पैसा या भौतिकी संपदा का मतलब हुआ उधार लेना या उनसे प्राप्त करना। तो यहां पर आपका हुआ कि हु गॉड डोथ लेड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस गिफ्टैंड अर्थात कि जो जो ईश्वर की पूजा अर्चना सुबह शाम करता होगा वह किसी प्रकार का उपहार या भौतिकी संपदा लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए थर्ड थर्ड लाइन है आपका कि हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे जो अपने सामान्य दिन को हार्मलेस डे का मतलब सामान्य हार्मेस मा क्षति रहित हार्मलेस का मतलब हुआ क्षति रहित डे माने दिन मतलब सामान्य दिन इंटरटेन का मतलब आनंद लेता है विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड जो अपने सामान्य दिन को एक अच्छी किताब या एक अच्छे मित्र के साथ गुजारता है या उनके साथ वह आनंद लेता है तो यहाँ पर तीसरी और चौथी लाइन का एक साथ अर्थ है कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने सामान्य दिन को एक अच्छी किताब ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड या किसी एक अच्छे मित्र के साथ गुजरता है अगर किताब अच्छी हो और मित्र अच्छा हो तो वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होगा चूँकि ये दोनों उसको हमेशा अच्छा रास्ता ही बताएंगे और प्रसन्नता ही उसे प्रदान करेंगे तो इन चारों पंक्तियों का एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए कि हु गॉड जैट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस गिफ्टैंड कि प्रसन्न व्यक्ति वह होगा जो ईश्वर की पूजा सुबह शाम करता होगा उनसे किसी प्रकार की किसी प्रकार का भौतिक संपदा या उपहार लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड जो वह अपने सामान्य दिन को एक अच्छी किताब या एक मित्र के साथ गुजारता होगा अब लास्ट स्टेंजा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है कई बार बोर्ड की एग्जाम्स में ये आया है इसको ध्यान से समझिएगा दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स सर्वाइल बैंड्स का मतलब हुआ सांसारिक बंधन भौतिकी संपदाएं भौतिकी वस्तुएं इस प्रकार का प्रसन्न व्यक्ति सांसारिक चीजों से मुक्त होता है कभी कहने का मतलब कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सलवाइल बैंड इस प्रकार का प्रसन्न व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है आप होप टू राइज और फियर टू फॉल जिसे न प्रगति की आशा होती है और न ही असफलता का भय होता है फिर से देखिए आप होप टू राइज राइज का मतलब यहाँ पे हुआ विकास प्रगति फॉल का मतलब असफलता फियर माने भय होप माने आशा तो यहां पर आपका हुआ कि आप होप टू राइज और फियर टू फॉल जिसे विकास प्रगति या सफलता की न तो कोई आशा होती है और न ही असफलता का किसी प्रकार का भय होता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का मालिक होता है लॉर्ड का मतलब मालिक लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का मालिक होता है दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही है हैथ मतलब दो नॉट ऑफ लैंड का मतलब हुआ कि यद्यपि उसके पास भौतिकी चीजें नहीं होती है लैंड का मतलब भूमि हुआ लेकिन यहाँ पर भूमि का अर्थ हुआ भौतिकी संपदा यद्यपि उसके पास किसी प्रकार की भौतिकी संपदा नहीं होती है एंड हैविंग नथिंग ही है हैथ फिर भी उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है अर्थात उसके पास भले ही भौतिक संपदा जमीन जायदाद सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब भले ही उसके पास नहीं होते लेकिन फिर भी उसके अच्छे विचार उसके अच्छे कृत्य उसके अच्छे कर्म उसकी अच्छी इच्छाएं उसके अच्छे सत्कर्म ही उस व्यक्ति को इन तमाम भौतिकी संपदाओं से कहीं ज़्यादा महान बना देते हैं अर्थात कि वह व्यक्ति कुछ न उसके पास होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है सबसे बड़ा संतोष होता है और उसी संतोष के माध्यम से वह क्या प्रसन्न रहता है सो अच्छा इस इस स्टेंजा में एक फिगर ऑफ स्पीच भी आपका है इसे कहते हैं ऑग्जी एंड हैविंग नथिंग ही है कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है यह लाइन तो इसमें विरोधाभास है ऑक्सिमोरन का मतलब हुआ विरोधाभास तो इसमें इस, इस स्टेनिया में एक फिगरेटिव लाइन भी है वो आपकी चौथी लाइन है एंड हैविंग नथिंग ही है थाल अर्थात कि उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है सो मींस इन दिस पोएम यू गॉट The complete good qualities of a happy man, which has been mentioned and described and explained by the poet through the medium of his own poem. And it is the warm suggestion and appeal of the poet inside every youngster of the world to adopt these qualities and become a happy man. सो so, फिर भी अगर कहीं कोई आपको कंफ्यूजन हो किसी भी लाइन में तो आप कंप्लीटली आप कमेंट के माध्यम से हमको हमसे पूछ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से यदि और भी कुछ आपको पूछना है कुछ पढ़ना है कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो बेशक आप कमेंट के माध्यम हम से हमसे कह सकते हैं हम उसकी वो मैटर आपको ज़रूर पढ़ाएंगे सो so, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ